मार मार के तो भैया अपने ही कार्यकर्ता को हड़कात जे नेता हैं मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री इमरती देवी। दरअसल ग्वालियर के पिछोर नगर परिषद चुनाव में पूर्व मंत्री इमरती देवी और मूल भाजपा के समर्थक कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जब एक कार्यकर्ता ने इमरती देवी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए तो गुस्साई इमरती देवी ने जमकर उसको हड़का और उसको खुल के अपशब्द कहे। दरअसल पिछोर नगर परिषद के अध्यक्ष चुनाव में इमरती देवी के समर्थक राम जानकी ने भारतीय जनता पार्टी के दूसरे गुट के समर्थक नवल भार्गव को 9 वोटों से हरा दो। इसके बाद जब इमरती देवी उतर पहुंची तो नवल के भाई उमेश भार्गव ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे का लगा दिए। तत्काल इमरती देवी बंद जवानी पर उतर आई और गुस्से में उनने कार्यकर्ता को अपशब्द बोलबो शुरू कर दो। इसके बाद पुलिस उमेश भार्गव को थाने भी ले गई और ये पूरे मामले को वीडियो हो गया है सोशल मीडिया पर वायरल। उतई पिछोर नगर परिषद चुनाव के दौरान एक और वाकया सामने आओ जब इमरती देवी ने डबरा तहसीलदार को हड़का के भगा दो। दरअसल पिछोर नगर परिषद मतदान केंद्र के भीतर मौजूद डबरा तहसीलदार दीपक शुक्ला को कहो है कि उनको फोन लगा के बाहर बुलाओ गो। इसके बाद उच्च अधिकारियों से बात करके तहसीलदार को मौके से भगा दो गो। इमरती के हड़कावे के बाद तहसीलदार निकले जबकि इमरती देवी को कहो है कि तहसीलदार की ड्यूटी नहीं होती तो वे निर्वाचन में कैसे पहुंचे थे। देखो जरा जो वीडियो अंदर की बोला ही नहीं ये बोल पूछ लो पूछो छोड़ दो हम पूछ रहे हैं हेलो हैं चलो अंदर अंदर का बोला ही नहीं उनने सुन ले ना एसडीएम की कलेक्टर साहब को सुना है जरूरी का है हां कभी ऑर्डर है ही नहीं हमने कलेक्टर साहब से पूछ ले को ऑर्डर नहीं जाओ बताओ काय को ऑर्डर है इनको बताओ ले ये पूछ लो तो कलेक्टर साहब से अरे यहां आने वाला नहीं चलो राजनीति में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे से लेकर पुतले जलावे तक की घटनाएं होती हैं लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया शायद आपने पहले कभी न देखी हुई है। काय के तो इमरती देवी आएं।